नाइट्रो एल्केन सी, हम नाइट्रो एल्केन से 1 डिग्री एमीन बना सकते हैं। इसके लिए एनओ टू ग्रुप को रिड्यूस या अपचयित करना आवश्यक है। तो आर एन ओ टू ग्रुप को अगर हम रिड्यूस करें तो आर एन एच टू ग्रुप बनेगा या 1 डिग्री एमीन बनेगी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये नाइट्रोबेंजीन, इसका रिडक्शन अगर हम करें स्टेप बाय स्टेप तो ये 2H ऑक्सीजन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उससे H2O फॉर्म करेगा और नाइट्रोसोबेंजीन बनती है। नाइट्रोसोबेंजीन का फर्दर रिडक्शन करने पर इसका पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 सिग्मा बनेंगे और दोनों पर एच ऐड करेंगे तो फेनिल हाइड्रेजीन बनेगा। ये जो फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन है इसका फिर अपचयन करने पर हमें 1 डिग्री एमीन बनेगी या मिलती है। इस प्रकार आर एन ओ टू या सी सिक्स एच फाइव एन ओ टू को टोटल 6H देने पर 1 डिग्री एमीन मिलेगी। तो नाइट्रो यौगिक का रिडक्शन एसिडिक मीडियम में मेटल के साथ किया जाए, जैसे Fe प्लस HCl, Zn प्लस HCl, Sn प्लस HCl, तो हमें नाइट्रो ग्रुप NH2 ग्रुप में, या मैं ऐसा कहूँ कि ये जो नाइट्रो कंपाउंड है वो 1 डिग्री एमीन में, चाहे वो एलिफेटिक हो और चाहे एरोमेटिक हो, में कन्वर्जन हो जाता है। ऑक्सीजन के अपचयन से, तो सबसे पहली बात यह है कि ऑक्सीजन बनता कैसे है। जब हम कीटोन या एल्डिहाइड क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। जैसे ये कीटोन या एल्डिहाइड का CO ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल एमीन जो होता है वो अमोनिया का व्युत्पन्न होता है, H2 रिप्लेस कर दें, ये क्रिया एसिडिक मीडियम में होगी तो रिजल्ट के रूप में हमें एक ऑक्सीजन मिलेगा। यह ऑक्सीजन अगर एल्डिहाइड है तो एल्डोक्सिम कहलाएगा और कीटोन क्रिया करेगा तो कीटोक्सिम कहलाता है। इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अपचयन या रिडक्शन करने पर 1 डिग्री एमीन बनती है। इस प्रकार हम ऑक्सीजन से 1 डिग्री एमीन बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये एसिट एल्डिहाइड है जिसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से होने पर पहले ऑक्सीजन बनेगा। इस ऑक्सीजन का अगर हम रिडक्शन कर दें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से तो CH3CH सिंगल बॉन्ड NH2 एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। इसी तरह से अगर आपको पहले से ही तैयार एसिड ऑक्सीजन दिया हुआ है, यानी कीटोन से ऑक्सीजन बना करके दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इसका अगर हम अपचयन करें तो प्रोडक्ट के रूप में हमें 1 डिग्री एमीन मिलेगी। इसको हम 2-propane एमीन कह सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एमीनों की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है उसको हम समझते हैं। सभी एमीन क्षारीय प्रकृति दर्शाती है क्योंकि नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण ये लुईस क्षार की भांति व्यवहार करती है। जिस प्रकार अमोनिया जल में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, उसी प्रकार एल्केन एमीन भी जल में
क्रिया करके एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी, आर एन एच टू में इस तरह से लोन पेयर की प्रेजेंस होने से यह बेस के रूप में व्यवहार करती है। तो ये एच प्लस यानी प्रोटोन एक्सेप्टर भी हो सकती है या फिर लोन पेयर डोनर। तो आर एन एच टू प्लस एच पॉजिटिव, इसका रिजल्ट मिलेगा आपको आर एन एच थ्री प्लस, इसमें इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो आर एन एच थ्री प्लस। एमिनो की क्षारकता को निम्न तथ्यों के आधार पर समझ सकते हैं। नंबर एक, प्लस आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड, त्रिविम बाधा प्रभाव स्टीरियोहिंड्रेंस। और थर्ड, विलायकन यानी सॉल्वेशन। तो पहले हम प्लस आई इफेक्ट से इसकी बेसिसिटी समझते हैं। तो नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम होता है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाली अगर समूह जैसे प्लस आई प्रभाव समूह उपस्थित होंगे तो क्षारकता या बेसिसिटी बढ़ेगी। जैसे नाइट्रोजन पर CH3 ग्रुप है, 2CH3 ग्रुप हों या फिर 3CH3 ग्रुप हों, ऐसी कंडीशन में जैसे जैसे CH3 ग्रुप की संख्या बढ़ेगी तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी और इनकी बेसिसिटी या क्षारकता बढ़ती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वाष्प या वेपर फेज में इसकी क्षारकता ऐसे रहेगी। कार्बोक्सिलिक पीकेबी के मानों से स्पष्ट होता है कि जलीय प्रावस्था में जो क्षारकता का या बेसिसिटी का जो क्रम है वो इस प्रकार होगा, 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री और सबसे कम NH3। यानी इसमें 3 डिग्री जो अमीन है उसकी क्षारकता कम कैसे हो गई इस बात को हम, तो 3 डिग्री अमीन की क्षारकता को समझने के लिए इसके लिए त्रिविम बाधा प्रभाव है वो इम्पोर्टेंट है। तृतीयक एमीन में जो नाइट्रोजन परमाणु के 3 बड़े या बल्कि ग्रुप जो होते हैं वो नाइट्रोजन परमाणु को इस प्रकार घेर लेते हैं कि आने वाले प्रोटॉन की अप्रोच को कम कर देते हैं या उसमें बाधा डालते हैं, इसलिए इसको हम त्रिविम बाधा प्रभाव कहेंगे। इससे प्रोटॉन का या प्रोटॉन की अप्रोच नाइट्रोजन पर बहुत ही कम होती है। तो हम कैसे, इसी प्रकार अगर इथाइल ग्रुप है तो ये बड़ा ग्रुप हो गया और अगर नाइट्रोजन पर 3 इथाइल ग्रुप होंगे तो ये बल्कि ग्रुप यानी बड़े आकार के समूह होने के कारण से आने वाले प्रोटॉन की अप्रोच है वो कम कर देंगे। परिणाम स्वरूप टर्शरी जो ये एमीन है इसकी क्षारकता या बेसिसिटी अमोनिया से भी कम हो जाएगी। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड शो किया गया है इथाइल ग्रुप का और जो नाइट्रोजन के लोन पेयर को हाइड कर लिया है इन्होंने, इससे प्रोटॉन की अप्रोच बहुत ही कम होगी और इससे हम कह सकते हैं इसकी बेसिसिटी जो है वो अमोनिया से भी कम हो जाएगी। एनिलीन की क्षारकता या बेसिसिटी इतनी कम क्यों होती है, अमोनिया से भी कम होती है? इसका कारण है
कि इसमें रिजोनेंस या अनुनाद होता है और अनुनाद के कारण NH2 के नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या घनत्व घटता है। इसको हम अनुनाद के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे ये एनिलीन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय की ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस प्रकार एनिलीन में ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जबकि नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी, यानी पॉजिटिव आ गया। इसका रिजल्ट यह हुआ कि अब नाइट्रोजन पर प्रोटॉन की, या नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर प्रोटॉन को उपलब्ध नहीं करा पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अनुनाद के कारण एनिलीन अमोनिया से भी कम क्षार होगी या वीक बेस होगी। तो ये एनिलीन की अनुनाद संकर स्ट्रक्चर है और इसमें एन पर पॉजिटिव है, तो यही कारण है कि इसके इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। अब ये कुछ क्रियाएं हैं जिसमें एमीन की क्षारीय प्रकृति को हम शो कर सकते हैं। एमीन जो एक बेस होती है, एसिड के साथ रिएक्शन करेगी और साल्ट या लवण फॉर्म करेगी। तो कुछ रिएक्शन है ये HCl के साथ, तो CH3CH2NH3 positive Cl negative CH3CH2 NH3 positive HSO4 negative और H2PtCl6, ये क्लोरोप्लैटिनिक एसिड है। इसी तरह से एसिड और बेस से साल्ट फॉर्म हो गया। RnH2 क्लोरो ऑरिक अम्ल यानी गोल्ड का ये एसिड है, इसके साथ भी ये साल्ट फॉर्म करेगी, तो RnH3 पॉजिटिव AuCl4 नेगेटिव। इसी प्रकार संकुल का बनना, इसमें ये प्रूव होता है कि NH3 एक गुड लिगेंड है या इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप है। तो NH3 के साथ कुछ रिएक्शन है Ag+1 की, तो Ag+1 के साथ NH3 कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगी और उससे हमें संकुल बंध मिलेगा और ये उप सहसंयोजी बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकती है। यहाँ पर NH3 गुड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के रूप में एक्ट कर रही है। इसी प्रकार मेथिलामीन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, Cu+2 की रिएक्शन NH3 के साथ करवाएं तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनेगा Cu+2 RnH2। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर धातु आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करके और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। यह भी एक प्रकार से लुईस एसिड बेस रिएक्शन है, जहां पर अमोनिया या एमीन बेस के रूप में या क्षार के रूप में एक्ट करती है। एल्किलीकरण, प्राथमिक और द्वितीयक एमीन एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगी और एमीन बनाएगी। इस प्रकार हमें चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त होंगे। जैसे अमोनिया अगर एल्किल लाइड से रिएक्शन करती है और एल्किल लाइड एक्सेस में हो तो 1 degree amine, 2 degree amine, 3 degree amine और क्वाटरनरी साल्ट यानी चतुष्क लवण का एक मिक्सचर मिलेगा। अभी एग्जांपल देखते हैं अपने, ये बेंजिल क्लोराइड है, तो बेंजिल क्लोराइड RX के रूप में ले रहे हैं हम,
NH3 सा रिएक्शन हुई तो हमें इस प्रकार 1 डिग्री एमीन मिलेगी, फिर रिएक्शन हुई एल्किल हैलाइड के साथ और ये 2 डिग्री एमीन फॉर्म होगी। उसके बाद फिर रिएक्शन करवाई हमने एल्किल हैलाइड की, फिर HCl रिप्लेस हुआ तो हमें टर्शरी या तृतीयक एमीन मिलेगी और टर्शरी एमीन फिर न्यूक्लियोफाइल के रूप में एक्ट करेगी और फाइनली हमें चतुष्क अमोनियम लवण मिलेगा। इसी प्रकार एनिलीन की रिएक्शन हम CH3I के साथ करवाएं, जहां पर CH3I एक्सेस है तो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होगी और हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और इस प्रकार चतुष्क लवण का साथ में मिक्सर मिल जाएगा। एसिटिलीकरण, प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन एसिटिल क्लोराइड के साथ या एल्केनोयल क्लोराइड के साथ क्रिया करके 2 डिग्री एमाइड और 3 डिग्री एमाइड बनाएगी, CH3COCl प्लस CH3NH2HCl रिप्लेस कर दें। ऐसा करने पर CH3CONHCH3 फॉर्म होगा जो एन मिथाइल एसिट एमाइड यानी 2 डिग्री एमाइड, ये 2 डिग्री एमाइड फर्दर रिएक्शन कर सकता है, लेकिन उससे पहले अगर हम एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन 2 डिग्री एमीन से करवाएं तो हमें 3 डिग्री एमाइड मिलेगा। इसी प्रकार 1 डिग्री एमीन बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन कर सकती है, इसको हम सोटेन बोमेन रिएक्शन कहते हैं और प्रतिस्थापित एमाइड या सब्स्टिट्यूटेड एमाइड मिलेगा। फिर कार्बिल एमीन अभिक्रिया, एलिफेटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म एवं एल्कोहलिक योज के साथ गर्म करने पर एक अनप्लीजेंट स्मेल वाला पदार्थ यानी कार्बिल एमीन मिलेगा। यह रिएक्शन NH2 ग्रुप का टेस्ट है, तो इसमें RNH2 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH इसे RNC मिलेगा। ये जो RNC है ये अनप्लीजेंट स्मेल या अरुचिकर गंध वाला पदार्थ होगा।